धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर शनिवार को 39वें आलम पशु मेला का शुभारंभ किया गया। उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह के आतिथ्य में मेले का उद्घाटन किया गया। मेले में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सांचौर, जालौर जिले के पशुपालक अपने पशु बेचने आते हैं, जिसमें ऊंट, घोड़ा आदि पशु बिकते हैं। वहीं पशुओं की खरीदारी के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश से व्यापारी पहुंचते हैं। शनिवार को मेले के पहले दिन कई पशुओं की खरीद फरोख्त की गई। धोरीमन्ना से भुवनेश राव की रिपोर्ट। धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर शनिवार को 39वें आलम पशु मेला का शुभारंभ किया गया। उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह के आतिथ्य में मेले का उद्घाटन किया गया। मेले में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सांचौर, जालौर जिले के पशुपालक अपने पशु बेचने आते हैं, जिसमें ऊंट, घोड़ा आदि पशु बिकने हैं। वे पशुओं की खरीदारी के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश से व्यापारी पहुंचते हैं। शनिवार को मेले के पहले दिन कई पशुओं की खरीद फरोख्त हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सोनी ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ साथ पशु प्रधान भी है। आम आदमी की आजीविका चलाने का मुख्य साधन पशु हैं। हमें पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही धोरीमन्ना प्रधान इंदुबाला बिश्नोई ने कहा कि इस मेले में के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों को अपने पशु बेचने बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ता। इस मेले में अधिकतर ऊँट बिकने आते हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष जयकिशन भादू ने भी मेले में आए पशुपालकों एवं किसानों को मेले की उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया। कार्यक्रम कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुलदीप ने कहा कि इस मेले के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और साथ साथ जिले भर के व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं। मगराम जी के कार्यकाल में ये तो धोरीमन्ना मेले की शुरुआत हुई और ये 1500 मिले इस आलम पशु मेले का समापन 3 फरवरी को किया जाएगा और इस पशु मेले में दुकानें, झूले, ऊँटों की आवक शुरू हो गई है और भव्य मेला होगा। मेला प्रभारी बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि यह पशु मेला 3 फरवरी तक चलेगा। मोटवी माता मंडल अध्यक्ष केसाराम सुथार ने मेले में पधारे पशुपालकों, किसानों एवं व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विकास अधिकारी भवरलाल कालवी, तहसीलदार भागीरथ विश्नोई, थानाधिकारी सुखराम विश्नोई, पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र बोला, बसंती चौधरी, कल्याण सिंह, सोजानाराम गोदारा, डॉक्टर पूर्णाराम बेनीवाल, चरणाराम नामा सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन गोमाराम हुड्डा ने किया।